उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सर्ववेद महामंदिर धाम में आयोजित विहंगम योग संत समाज की स्थापना में शताब्दी समारोह महोत्सव में शामिल हुए। बता दें कि इस अवसर पर वहां पर 25,000 कुंडीय स्ववेद ज्ञान महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। लाखों लोगों के होने के बावजूद यहां के सुचारू व्यवस्था की सीएम योगी ने तारीफ की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि सदगुरु सदाफल देव महाराज का जन्म 1888 में बलिया के एक छोटे से गांव में हुआ था और उन्होंने 1924 में यहां पर विहंगम योग संत समाज की स्थापना की थी। जब समाज शताब्दी समारोह कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है तो हम भी इसके साक्षी बन रहे हैं। इसके आगे सीएम योगी कहते हैं कि सदगुरु सदाफल देव महाराज ने आध्यात्मिक अभियान को आगे बढ़ाया है और ये भी बताया कि सच्चा योगी संत देश व समाज की परिस्थितियों को देखकर हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रह सकता। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जी कहते हैं कि हर काम देश के नाम होना चाहिए। देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है और धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। इसलिए जो भी कार्य हो वो व्यक्ति समाज मत मजहब के दायरे में ऊपर उठकर सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए देश के नाम होना चाहिए। बता दें कि भारतीयता और सनातन सबको जोड़ने की ताकत रखता है। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दासता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाथ के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है।